और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी रैली से विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साध दिया है। उन्होंने मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेनन की कब्र का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर हमला बोला। पीएम ने कहा, जो लोग याकूब मेमन की कब्र को सजाते हैं उनसे कोल्हापुर और महाराष्ट्र के विकास की आखिर कैसे उम्मीद हो सकती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर फिर से तंज कसा, कहा शहजादे एक फॉर्मूला लाए हैं, आपके ना रहने के बाद कांग्रेस आपकी कमाई पर टैक्स लगाएगी और मेहनत की कमाई को लूट लेगी। आप मुझे बताइए, मोटा कमीशन न मिलने तक फाइलों को दबाकर बैठने वाले लोग, याकूब मेनन की कब्र को सवारने वाले लोग, उनसे आप कोल्हापुर का, महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद कर सकते हैं क्या? ये लोग महाराष्ट्र को आगे लेकर जा सकते हैं क्या? साथियों, 7 मई को महाराष्ट्र और देश का भविष्य तय करने के लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोल्हापुर से एनडीए के उम्मीदवार भाई संजय मांडलिक जी और हाथकणंगले से धैर्यशील माणे जी, इनके पक्ष में भारी संख्या में मतदान करके मोदी के हाथ मजबूत कीजिए। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि आप जीवन भर जो कमाएंगे, अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी जोड़ते रहेंगे, वो पूरा का पूरा आपके संतानों को नहीं मिलेगा। आज आपके पास गाड़ी है तो आप अपने बेटे को दे सकते हैं, घर है दे सकते हैं, खेत है दे सकते हैं। ये कांग्रेस के शहजादे फॉर्मूला लाए हैं, आपके न रहने के बाद आपकी पैतृक कमाई में से आधा हिस्सा कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लगाकर वसूल करना चाहती है। क्या आप अपनी मेहनत करके जो कमाई की है, पाई पाई बचाई है बच्चों के लिए, क्या उसे आप लूटने देंगे क्या? ये कांग्रेस की सरकार जो सपने देखती है उसको पूरा होने देंगे क्या? और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जबरदस्त हमला बोला। कहा, ये वही लोग हैं जो भगवा आतंकवाद बोलते थे, लेकिन आतंकी हाफिज सईद को साहब कहकर बुलाते थे, आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते थे, और अब देश को गुमराह करने के लिए कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि बीजेपी संविधान को बदल देगी। दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा, ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया। जाकिर नाइक को ये गले लगाते हैं, अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया इसकी फांसी का विरोध करते हैं, पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं, और सीएए के समर्थक पर लाठी चलाने। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए ना? ये बता देना बंटाधार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने। कांग्रेस पार्टी सालों से
गरीबी हटाने का बात करती थी, चार चार पीढ़ी तक बात करी, मगर कुछ नहीं हुआ। दस ही साल में मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। और उत्तर प्रदेश के औरैया में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया था, आज तो विराजमान हो गए ना, काशी और अयोध्या हो चुकी, अब हम ब्रजभूमि की तरफ चल रहे हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है अभी भी? और काशी और अयोध्या की तो पूरी बारी हो चुकी, अब तो हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, ब्रज भूमि की तरफ चल रहे हैं, और इसीलिए हम लोग आह्वान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है भारत की आस्था का सम्मान होगा। और अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, कल रात हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमेठी और रायबरेली सीट पर कोई फाइनल फैसला हो नहीं पाया। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का अनुरोध किया गया। सीसी के सदस्यों, उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और विधायक दल के नेता ने भी राहुल और प्रियंका गांधी को ही उम्मीदवार बनाने का अनुरोध कर दिया है। हालांकि सीसी ने ये आखिर जो फैसला है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया है, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही अब ये फैसला लेंगे कि क्या अमेठी एक बार फिर से राहुल गांधी को जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की जो बहन है, उन्हें क्या अब रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार का गढ़, अब सोनिया गांधी ने वो सीट छोड़ दी है, तो क्या प्रियंका गांधी वहां से ताल ठोक सकती है? अभी औपचारिक तौर पर या कोई फाइनल फैसला हो नहीं पाया, क्या फैसला लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि अमेठी भी और रायबरेली भी गांधी परिवार का गढ़ मानती रही है कांग्रेस पार्टी। अब ये सीट किसी भी रूप में हाथ से चला ना जाए, चूंकि 2019 में पहले ही इस गढ़ को थोड़ा सा डेंट लग चुका है, जब स्मृति ईरानी ने यहां से राहुल गांधी से सीट छीन ली, वहां से वो चुनाव जीत गई। अब ऐसे में क्या राहुल गांधी एक बार फिर से किस्मत को आजमाएंगे अमेठी से, क्या चुनाव लड़ने के लिए वहां जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस का। चाहे ग्राउंड पर मौजूद कार्यकर्ता हो या फिर कोई भी बड़ा नेता, एक सुर में हर कोई इस वक्त सिर्फ यही कह रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, और दूसरी तरफ वो सीट जो सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से खाली हुई, यानी कि रायबरेली, जो कि अभी तक गांधी परिवार का मजबूत गढ़ रही है, वहां से प्रियंका गांधी को जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या अंतिम फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, देखना होगा। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इस अमेठी लोकसभा सीट का इतिहास क्या कहता है, और इससे पहले कब कब कौन सी पार्टी की यहाँ पर जीत हुई है। आप यहाँ पर देखिए कि 1977 में जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप यहाँ पर जीते, इसके बाद 80 में संजय गांधी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, 81 के उपचुनाव में राजीव गांधी यहाँ से चुनाव जीत गए, 84, 89, 91 में राजीव गांधी को यहाँ पर लगातार जीत मिली, 91 के उपचुनाव में कांग्रेस के सतीश शर्मा ने यहाँ पर जीत हासिल की, और फिर 96 में भी सीट कांग्रेस के पास रही। अब एक तरफ कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवार फाइनल करने का फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ खड़गे ने कांग्रेस सीसी को ही दोनों सीटों पर टिकट फाइनल करने की बात कह रहे हैं। कल कांग्रेस सीसी की बैठक से पहले उन्होंने जो बयान दिया वो आपको सुनवाते हैं। हम यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे, अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूँगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे। हमारी जो इलेक्शन कमेटी है उसमें तय होता है, उसका
हमने गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे, अगर है तो अध्यक्ष वो आने के बाद साहब को एक कॉपी भेजो। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां मुंबई नॉर्थ से लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को उनकी सीट से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को कम से कम 4 से 5 सीट से चुनाव लड़ने की सलाह दी। पीयूष गोयल ने इस बात का दावा किया कि राहुल गांधी इस बार केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव हारने जा रहे हैं। पीयूष गोयल ने उन 5 सीटों के नाम भी गिना दिए जहां से वो राहुल गांधी को चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं। कल आपने बड़ी चुनौती दे दी राहुल गांधी को कि आइए अगर आप अमेठी से नहीं लड़ रहे तो यहाँ से लड़ लीजिए, तो इतने आश्वस्त हैं कि यहाँ की जनता आपको इतनी सराखों पर बिठा रही है? भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश में अनुभव किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतनी लोकप्रियता है कि हर क्षेत्र में देश भर में, यहाँ तक कि इस बार तो दक्षिण में भी चमत्कारी परिणाम आने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि उत्तर मुंबई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पार्टी का संगठन भी मजबूत है, यहाँ पे हमारी लोगों के बीच में बहुत अच्छी छवि है, प्रधानमंत्री मोदी जी के काम से लोग खुश हैं, जितना मैं घुमा हूँ यहाँ पे इतना प्यार मिला है, इतना सभी का सहयोग मिला है कि इस सीट पे अवश्य किसी भी सीट पे राहुल गांधी जी चले जाएं वो हारेंगे, इस सीट पे आए तो हम तो स्वागत करेंगे। पीयूष जी, आप लोग कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी आप लोग बात भी कर रहे थे सबसे कि हम विकास का मुद्दा आगे ले जा रहे हैं, फिर विपक्ष को क्यों लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है, मंगलसूत्र की बात होने लग जाती है, तमाम बात होती है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी जहां जा रहे हैं इसी बात को लेकर टारगेट? तुष्टिकरण की राजनीति तो कांग्रेस का कॉलिंग कार्ड है और हमने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने ही अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम ये सब मिडिल क्लास लोगों की संपत्ति की जांच करेंगे, और सैम पिट्रोडा सलाहकार हैं, इनके पिताजी के भी सलाहकार थे, राहुल गांधी जी के भी सलाहकार हैं, वो बार बार, और आज नहीं 3-4 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, वो बार बार इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि आप संविधान बदल देंगे, इनके सांसद कभी ऐसा कहने लगते हैं, सैम ये बातें बताई जा रही हैं सबको, मुझे लगता है कि बेबुनियाद बात है और जनता ऐसे बयानों के ऊपर कोई गुमराह नहीं होती है। भारत का संविधान विश्व में एक बहुत ही मजबूत संविधान है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी आज अयोध्या जाने वाली है। 9 से 10 बजे के बीच का वो वक्त होगा जब अयोध्या में रामलला के वो दर्शन करेंगी। सोमवार को अमेठी में नामांकन उन्हें दाखिल करना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने चुना है अयोध्या जाना और अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन यहां पर करना, जीत का आशीर्वाद मांगने के लिए जरूर वो यहां पर जाएंगी। 9 से 10 बजे के बीच का वो वक्त होगा जब रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी। तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया जरूर सबसे पहले आपको दिखाएगा, लेकिन सोमवार को चूंकि नामांकन दाखिल करना है इसीलिए स्मृति ईरानी आज पहुंच रही है अयोध्या।